शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार। और जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका भी असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सर, जिस तरीके से पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, क्षेत्र की जनता कैसे भरोसा करेगी? क्षेत्रीय जनता को ईमानदार आदमी चाहिए। क्षेत्रीय जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो लगाम लगाए भ्रष्टाचार पे। क्षेत्रीय जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो सफाई पे ध्यान दे। क्षेत्रीय जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो करप्शन पे नॉन टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए। उसमें मैं खड़ा उतर रहा हूँ। क्षेत्रीय जनता को ऐसा चाहिए जो शराब के ठेका बंद कराए। हमने एक शराब का ठेका सील करवा चुका है, हाईकोर्ट में जाकर दूसरे शराब का ठेका जो खोला गया उस पर भी हम ताला लगवाने वाले हैं, बहुत जल्दी लगने वाला है। तो जिस तरह एक तरफ वो सरकार है जो शराब के ठेका खोलना चाहती है, एक तरफ वो सरकार है जो 25 साल से शराब पीने की आयु 21 साल करना चाहती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और मैं खुद और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो शराब के ठेके को बंद करवा रहे हैं और सफाई पे प्रॉपर ध्यान देंगे। नॉन टॉलरेंस पॉल्यूशन, नॉन टॉलरेंस करप्शन पे लगाया जाएगा। कोई लिंटर टैक्स, पार्सल टैक्स को ख़त्म करेंगे। ये हमारी जो हमने ये इश्यूज़ जो जिससे 15 साल से करप्ट MCD बनाया गया है, उस इश्यू को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। जनता को करें जो शीला जी वाली दिल्ली थी, स्वच्छ दिल्ली थी, उसको बहाल करेंगे। जो जनता का विश्वास आ रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस का मेयर होगा यहाँ पे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिलेगा। और दूसरा सर, जिस तरीके से लैंडर माफियाओं से जनता परेशान है, इस वार्ड की मूलभूत समस्याएं जो हैं, सबसे पहले तीन कौन से काम करना चाहेंगे? इन मूलभूत समस्याएं सफाई कर्मी यहाँ 85 काम करते हैं और फिजिकली 15 काम करते हैं। सफाई कर्मी जितना इनरोल होंगे, डॉक्यूमेंट में होंगे, उतना ही फिजिकली काम करेंगे। इसका मैं प्रावधान ऐसा करूँगा। दूसरा, वेरिफिकेशन करने का अधिकार यहाँ के RWO को दिया जाएगा, यहाँ की सोसाइटी को दिया जाएगा। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे पार्कों में शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाएंगे। साथ साथ हम पार्कों के सुंदरीकरण पे ध्यान देंगे। जो बिल्डिंग माफिया 25 गज 50 गज लेने बनाने के लिए पार्षदों के जेब में पैसे जाता है, मैं उसको भी पार्षद टैक्स खत्म करेंगे, लिंटर टैक्स खत्म करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील की करेंगे यही कि एक जनता से हमारी यही अपील है कि आने वाले समय, आने वाला चुनाव 4 तारीख को एक परिवर्तन का चुनाव है। विनोद नगर का उस परिवर्तन से भविष्य जुड़ा हुआ है। आप कृपया एक बदलाव लाइए, दोबारा कांग्रेस पार्टी को चुनिए। ये आपकी पार्टी है, हम सभी की पार्टी है। जो 15 साल वाली शीला जी वाली दिल्ली थी, जो खुशहाल दिल्ली थी, उस खुशहाल दिल्ली को दोबारा स्थापित करेंगे, ये मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ। विनोद नगर के वासियों के किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा और विनोद नगर में कांग्रेस का परचम लहराइए। आपके सेवक बनके, आपका बेटा बनके, आपका भाई बनके मैं विनोद नगर में विकास का काम करूंगा। करप्शन पे नॉन टॉलरेंस होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर बहुत बढ़िया, जिस तरीके